You're watching your favorite video. You don't want a break, do you? Take Bina Break. Download Tuck app. जनपद बिजनौर में करीब 6 माह पहले थाना नजीबाबाद क्षेत्र में एक डबल मर्डर हुआ था एहसान खान और उसके भांजे का। उस अभियोग में जो मुख्य अभियुक्त शहनवाज अंसारी दिल्ली में सरेंडर किया था, आज उसकी कोर्ट में पेशी थी दिल्ली पुलिस के साथ। उसको आज यहाँ CJM कोर्ट में पेश किया गया था। यहाँ पेशी के दौरान एहसान खान के पुत्र ने अपने 2 साथियों के साथ कोर्ट परिसर के अंदर उसको गोली मार दी है, उसकी मृत्यु हो गई है। कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं इस फायरिंग में, उनका इलाज करवाया जा रहा है। तीनों अभियुक्तों को मौके से पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया है, चेस करके पकड़ लिया है, वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। अभी इसमें एक कोर्ट मुहर्रर को अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है, एक अन्य पुलिसकर्मी जिसको थोड़ा छर्रा लगा है उसको भी इलाज करवाया जा रहा है। कुछ पता चल पाया कितने राउंड फायरिंग हुई है? तीनों अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है, पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ करी जा रही है। कुछ और निकल के आएगा वो बताया जाएगा।